वह असाधारण शक्तियों के साथ जन्मा था। टी लोबसांग रंपा, जो हमारी इस नई बुक के राइटर हैं और बुक का नाम है द थर्ड आई। लोबसांग रंपा के भाग्य में लिखा था कि उसे एक तिब्बती लामा बनना होगा। यह उनके सितारों की ओर से एक ऐसा संकेत था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। अपने संपन्न परिवार को छोड़कर मठ में दाखिला लिया और उनका मन तब बहुत दुखी था। आंखों के सामने जीवन में मिलने वाले कठिन आध्यात्मिक प्रशिक्षण और शारीरिक श्रम का आभास भरा था। यह है तिब्बती चिकित्सा मंदिर के भीतर उसके जागृत होने की खूबसूरत और गहरी यात्रा, एक ऐसी कहानी जिसमें राइटर हमें बताते हैं सूक्ष्म लोगों की रहस्यमय यात्रा, क्रिस्टल गेजिंग, ऑरा कैसे पढ़ते हैं और मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक। और इसी के साथ साथ उनकी ये कहानी हमें बताती है थर्ड आई पावर के बारे में, स्पिरिचुअल पावर के बारे में। ये स्पिरिचुअल जर्नी है एक लामा टी लोबसांग रंपा की। ये बुक लिखी गई 1979 में और इसमें एक तिब्बती लामा ने अपने जीवन के अनेक अनुभवों को बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। और ये कहानी तब की है जब तिब्बत आजाद था, कम्युनिस्टों के अधीन नहीं था। तिब्बत एक रहस्यमय देश, एक आध्यात्मिक देश, शांतिप्रिय और एक ऐसा देश जिसके बारे में बाकी दुनिया बहुत अधिक नहीं जानती। कहने को दुनिया बहुत आगे निकल गई है, लेकिन तिब्बत आज से कई सालों पहले भी आध्यात्मिक रूप से सबसे बहुत आगे थे और आज भी हैं। तिब्बत वासियों का ध्यान हमेशा से अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर ही रहा और उनकी शिक्षा भी उसी तरह से दी जाती है। एस्ट्रल ट्रेवल, थर्ड आई की जो बातें आज पश्चिमी जगत में की जाती हैं, ये वर्षों पहले तिब्बतवासी जानते थे और फॉलो करते थे। ये उनकी नॉर्मल प्रैक्टिसेस थी। द थर्ड आई ये बुक है टी लोबसांग रंपा की आत्मकथा। कहने को वो एक बहुत ही संपन्न परिवार में जन्मे थे। उनके पिता तिब्बत सरकार में एक ऊंचे ओहदे पर थे और उनका बचपन खेलने कूदने में नहीं बल्कि ट्रेनिंग में निकलता था, क्योंकि उनके माता पिता पहले से ही जानते थे कि उन्हें एक लामा बनना है। तिब्बत में ऊंचे घरानों के बच्चे कम उम्र से ही घुड़सवारी सीखते हैं, क्योंकि उस समय यातायात के लिए कोई भी पहियों वाले वाहन उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में बच्चों का अक्सर समय घुड़सवारी सीखने में ही निकलता था। धर्मतंत्र को मानने वाला देश बाहरी जगत की प्रगति से कोई लेन देन नहीं, वो केवल ध्यान लगाते हुए अपनी देह की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे दिन बहुत कठिन थे, 24 में से 18 घंटों तक हमें जगाया जाता। तिब्बती मानते हैं कि रोशनी के समय या दिन में सोना नहीं चाहिए, इसीलिए छोटे बच्चों को भी इस समय सोने नहीं दिया जाता। लोबसांग रंपा कहते हैं कि मेरा भविष्य तो पहले से ही तय था। 7 साल के बच्चे को मठ में भेजे जाना था ताकि उसे आध्यात्मिक प्रशिक्षण मिल सके। अपने घर को त्याग कर अजनबी लोगों के बीच पढ़ना था, सब कुछ खोकर नए सिरे से अपना जीवन बनाना था सिर्फ 7 साल की उम्र में। उनके 7वें जन्मदिन पे उनके पिता ने अपने कमरे में उन्हें बुलाया और कहा, हमारे नियमों के अनुसार उच्च परिवार में जन्मे लोगों के साथ कठोर और नीच परिवार में जन्मे लोगों के साथ करुणा के भाव से पेश आना चाहिए। तुम्हें मठ में प्रवेश करने से पहले कठोर परीक्षण से गुजरना होगा। और उन्होंने साफ साफ कहा, तुम्हें मठ में प्रवेश लेना ही होगा और अगर तुम नहीं ले पाए तो घर वापस मत आना। और सुबह सुबह सिर्फ 7 साल की उम्र में वो अपने घर से निकल पड़े बिना अपनी माँ से मिले। मठ तिब्बत का एक अनुशासन प्रिय विद्यालय, कई मील चलकर मठ के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर पहले से 2 लड़के थे, उन्हें भी मठ में प्रवेश चाहिए था।
कुछ देर दरवाजा खटखटाते रहे, कोई नतीजा नहीं। अंदर से एक भिक्षु आया और उसने गुस्सा दिखाया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। बच्चों ने कहा, हम भिक्षु बनने आए हैं। लोग मठ में आते जाते रहे और वो बच्चे खड़े खड़े थक चुके थे और अब मठ में दाखिला होने से पहले एक परीक्षा उन्हें देनी थी। लोबसांग रंपा अपने 7वें जन्मदिन पर बिल्कुल अकेले। एक भिक्षु ने उन्हें देखकर कहा, देखो तो ये नन्हा राजकुमार धार्मिक बनना चाहता है, यह आसान नहीं होगा बच्चे, चलो देखते हैं तुम किस मिट्टी के बने हो। उसने कहा, मठ के अंदर 40 कदम पीछे हटो और जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, जब तक मैं ना कहूँ हिलना नहीं, टस से मस न होना, पलक भी नहीं झपकनी चाहिए। और बस छोटे से लोबसांग रंपा अपनी गठरी को लेकर बैठ गए। सारा दिन पालथी मारकर बैठे रहे, हाथ कंधे और बाल मिट्टी से भर चुके थे, भूख और प्यास से बुरा हाल था, रात होने को थी। दिन भर इतने लोग गुजरे लेकिन किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं, पूरा शरीर दर्द करने लगा था। कुछ पत्थर बच्चों ने पत्थर फेंका और पत्थर उनके माथे से टकराया, खून बहने लगा लेकिन उन्हें तो हिलना नहीं था। सूर्यास्त हुआ, दिए जल रहे थे लेकिन वो बिल्कुल अडिग वैसे के वैसे बैठे रहे। तभी एक वृद्ध भिक्षु आया और उसने चाय और संपा से भरा कटोरा उन्हें दिया और उन्होंने कहा कि ये कोई निर्दयता नहीं बल्कि हमारी परीक्षा का एक तरीका है। खाना खाकर वो सो गए और उसी जगह पर सुबह सबसे पहले जल्दी उठ गए। दूसरा दिन, पूरे दिन फिर वो वहीं बैठे रहे। फिर से दिन ढल चुका था, तारे टिमटिमाने लगे थे और वो सोच रहे थे, क्या मुझे भुला दिया गया है, क्या आज की परीक्षा में मुझे भोजन भी नहीं मिलेगा। और फिर से देर रात एक बूढ़े भिक्षु आए और उन्होंने उन्हें चाय और संपा दिया और उन्होंने कहा, ध्यान रहे, परीक्षा भी बाकी है, कल का दिन भी है। अगली सुबह ध्यान की मुद्रा में बैठे, तीसरा दिन था और तभी एक गुरुजी की लंबी आकृति उन्हें सामने दिखाई दी। वो बोले, लड़के इधर आओ, और जैसे ही उन्होंने उठना चाहा मुंह के बल जा गिरे और फिर झट से पोटली उठाई और भीतर की ओर भागे, क्योंकि उन्होंने कहा कि शाम की प्रार्थना में हिस्सा लो और सुबह मुझे मिलो। और इस तरह उन्हें मठ में प्रवेश मिला और फिर भरपूर खाना भी, और अब वह तैयार थे एक मुश्किल प्रशिक्षण के लिए, आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए। और वहां उन्हें उनके गुरु मिले, लामा मिंग्यन, और अब वो उनकी छत्र छाया में थे। वो कहते हैं, यह सब बहुत कठिन था, अध्यापकों का रवैया कठोर था, पर मैंने अपने आप को समझाया कि मैं यहाँ पढ़ने ही तो आया हूँ। हालांकि मैं याद नहीं कर सकता था कि मैंने फिर से जन्म क्यों लिया है, पर मुझे ये सब दोबारा सीखना ही था। तिब्बत में हम सभी पुनर्जन्म में बहुत विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं कि जब कोई बहुत उन्नत अवस्था में आ जाता है तो वह अपनी मर्जी से अस्तित्व के उच्च लोकों की ओर जा सकता है, या फिर कुछ सीखने और दूसरों की मदद के लिए वापस धरती पर आ सकता है। यह भी हो सकता है कि पिछले जन्म में मिशन पूरा न होने की वजह से उस इंसान को वापस आना पड़ा हो। मठ में बच्चों को हर वो काम सिखाया जाता है जो उन्हें जानना ज़रूरी है और जो उन्हें सीखना चाहिए, ताकि वो किसी और को खुद से कम ना समझें। रसोई में काम का पहला दिन था। दरवाजे पर एक गुस्सैल भिक्षु बैठे थे। उन्होंने कहा, जल्दी करो, क्योंकि वो केवल 7 साल के थे। जब उन्हें कर्चा भरकर ईंधन उठाने को कहा गया तो वो उनसे नहीं हुआ और वो ईंधन जाकर भिक्षु के पैर में गिरा और उसने गुस्से में उन्हें उठाकर पटक दिया और वो जाकर भट्टी में लोहे की रोड पर जा गिरे, गर्म आग से तपकर लाल हो रही रोड। रोड उनके पैर में जा धसी और पीछे का शरीर राख में जल गया।
उन्हें जल्दी से इलाज के लिए ले जाया गया। बहुत सारी जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया। बहुत दर्द था लेकिन क्या कर सकते थे। भिक्षु से तात्पर्य क्या है? तिब्बत में हर वो पुरुष जो मठ में रहता है भिक्षु कहलाता है। यह जरूरी नहीं कि वो धार्मिक हो। तिब्बत में कोई भी भिक्षु बन सकता है। अक्सर लड़कों को बिना किसी चुनाव या मर्जी के भिक्षु बनने के लिए भेज दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि भेड़ों को चराकर पेट निर्वाह करने वाले इंसान अपने पेशे से ऊब जाता है। ऐसे में तापमान शून्य से 40 डिग्री नीचे जाने पर सर पर छत और पेट में भोजन ना हो तो उसका उद्देश्य मठ में जाकर भिक्षु बनना ही होता है। ऐसा इंसान भक्ति से नहीं बल्कि अपनी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिक्षु बनता है। और इस तरह के अनेक लोगों को कारीगर, मजदूर, सफाई कर्मचारी आदि छोटे मोटे कामों के लिए रख लिया जाता है। और अक्सर ये लोग इन बच्चों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं।